उसूलों पे जो आ जाए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तमाम मुख्तलिफ सियासी पार्टियां और अनेक संगठनों ने मिलकर औरंगाबाद में संविधानवादी सर्वपक्षीय मोर्चा की स्थापना की। इस मोर्चे का मकसद, पहला मकसद ये है कि आज हिंदुस्तान में, जो हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद हिंदुस्तान की जनता को डॉक्टर बाबा साहब की मेहनत से जो संविधान दिया गया कि हिंदुस्तान ने अपनी ज़िंदगी कैसी गुजारे, उस संविधान को, कुछ संविधान विरोधी ताकतें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उस संविधान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उन ताकतों से लड़ने का काम ये संविधानवादी मोर्चा कर रहे हैं। ये पहला काम, और ये आज उसकी शुरुआत है। अभी कुछ पत्रकार पूछे थे, सारे के सारे आज ही नहीं बता सकते हम, ये शुरुआत है, पहली मीटिंग है। और हमारी कोशिश तो ये है रहेगी कि गली से लेकर दिल्ली तक ये बात पहुँचाई जाए और इस टाइप की संगठन पूरे हिंदुस्तान में तैयार हो कि आज हिंदुस्तान में सारी प्रश्नों को, सारी समस्याओं को बाजू रखकर जातिवाद इसलिए किया जा रहा है कि असल में ये सब छुपे हुए संविधान विरोधी लोग, और ये अपने छुपे हुए संविधान विरोधीपन को छुपाने के लिए जातिवाद का सहारा लेते हैं। असल ये संविधान के दुश्मन है, और जो संविधान का दुश्मन वो देश का दुश्मन। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए, और बाबा साहब ने जो हमको आज़ाद इस संविधान के जरिए जो इख्तियार दिए, जो हमको उसूल बताए, जो तरीक़े बताए, उन तरीक़ों से हम संविधान विरोधी शक्तियों से आगे लड़ने वाले हैं, चाहे वो धरने हों, मोर्चे हों, आंदोलन हो। अब उसकी शुरुआत 10 अक्टूबर में हमारे दलित भाइयों का जो बड़ा मोर्चा हम निकलने वाला है, उसमें औरंगाबाद शहर, औरंगाबाद ज़िले के तमाम मुस्लिम, दलित, ओबीसी, आदिवासी सारे के सारे समाज उसमें जुड़ेंगे, और इस मोर्चे को पूरी ताकत से कामयाब बनाएंगे, और आइंदा हम इस हमारी समस्या में वो और उनकी समस्या में हम कांधे से कांधे लगे लड़ेंगे। ये इस मोर्चे का हमारा मकसद है। उसूलों पे जो आ जाए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। इसके संयोजक तो हमारे सैयद तौफीक साहब है, मुश्ताक साहब है, इन्होंने अड़जन में एक दो दिन के अंदर ये मीटिंग कॉल करे, और जितना हो सकता जितने नाम ऐड करना है उसमें ऐड हुए। और हमारा तो मकसद ये है कि जो संविधानवादी जो लोग हैं, हम उनको सबको दावत देने वाले हैं। उसके अंदर अगर कुछ लोग रह गए तो अब हमारी आज से ये कोशिश है कि उनको सबको दावत देना, उनके सामने ये जो संविधानवादी जो समिति बना इसके बारे में हम जो है एक गेट टुगेदर करेंगे, और जो लोग रह गए उनको हम आज ही कॉल करके उनसे बात करके उनको ये सारी तफसील बताकर आगे का काम हम बड़े पैमाने पर करेंगे। हमारा मकसद ये है कि भाई आप रहो किसी भी पार्टी में, लेकिन जब लोगों पे जुल्म होता है, आवाम पे जुल्म होता है, तो उसके लिए सारे पार्टियों ने और सब पक्ष के लोगों ने एक होकर लड़ना चाहिए। ये जो है ना एकदम अड़जन में हुआ, अभी हम जो है तो इसकी हर आदमी काम करने वाला, जो अच्छी सोच रखने वाला है, जो सामाजिक काम करने वाला है, हम उसको जोड़ने का काम बराबर करेंगे। और आप जो बोल रहे जो लोग रह गए उनको हमको बिल्कुल ऐड करना है, और हम सबको दावत देने वाले हैं, क्योंकि हालात देखो देश में बहुत ख़राब हालात चल रहे हैं, और सबको एकजुट होकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी बिल्किस बानों का केस है। जी जी, जैसा पूरी दुनिया ने देखी, पूरे देश ने देखा है कि क्या हाल हुआ है, लेकिन देश के हालात देखकर लोगों को ऐसा लग रहा है कि देश में लोगों पे जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, और ज़रूरत से ज़्यादा जो जब से देश आज़ाद हुआ इस किस्म के हालात कभी नहीं आए। एक तो लोगों को महंगाई से परेशानी हो रही, फिर उसके बाद में कोरोना से लोग परेशान थे, फिर पेट्रोल, डीजल, खाने का तेल और तुम्हारे अनाज, सारी चीज़ें जो है तो ज़मीन आसमान छू रही है। सारी शुरुआत तो औरंगाबाद से हमने कर दिए, और जो भी मूवमेंट बनती तो औरंगाबाद से बनती, और हम इसको इंसाफ दिलाने के लिए हम जितने लोग अभी थे और इसमें और लोगों को जोड़ेंगे, और जब तक कि हमारी जान में जान है हम सच्चाई के लिए और इंसानियत के लिए, और हमारे रसूल ने जो पैगाम दिया था इंसानियत का, तो वो हम इंसानियत का पैगाम पहुँचाने के लिए मरे दम तक काम करेंगे। और जो लोग
रह गए उनको भी लेके साथ काम करेंगे। हम देश में जो है एजुकेशन चाहते हैं, हम देश के अंदर जो है रोज़गार चाहते हैं, हम देश में किसानों की भलाई चाहते हैं, हम देश में महिलाओं की सुरक्षा चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा देश दुनिया में तरक्की करे, आगे बढ़े और दुनिया में हमारा नाम हो। और हमारे रसूल ने जो हमको कहा है कि भाई इंसानियत बढ़ाओ, वो यानी हमारे रसूल जो दुनिया में आए थे तो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आए थे, पूरे आलम के लिए रहमतुल आलमीन बन के आए थे। तो हम ये बात हिंदू मुस्लिम दलित सिख ईसाई सारे हमारे हिंदू भाइयों को भी ये समझाना चाहते हैं कि मुसलमान और इस्लाम दुनिया पे रहमत बन के रहमत के लिए आए। मैंने कांग्रेस के मेरे मराठवाड़ा पद का रिज़ाइन दिया हूँ और हम ये चाहते हैं कि इंसानियत लोगों का काम हो, चाहे पार्टी में रह गया या समिति के माध्यम से। हमारा मकसद सिर्फ जो है तो लोगों को सुविधा देना, लोगों पे जो अन्याय हो रहा, लोगों पे जो जुल्म हो रहा, लोगों को इंसाफ देने के लिए हम काम करने वाले। अगर हमारी पार्टी अगर कभी उसके लिए आवाज़ नहीं उठाती है तो उसके लिए हमने जो है तो नामांतर समिति बनाए, ये एक समिति बनाए। तो हमारा मकसद ये है कि अगर कोई पार्टी अगर वो अपना काम नहीं कर सकते हैं लोगों का, तो हम उससे हट के जो है तो इधर आकर हमारा हम काम करेंगे। ये जो अक्टूबर का जो मोर्चा है, अंबेडकरवादी जो मोर्चा है, उसके अंदर हम शामिल होंगे। उसके बाद में हमारी जो समिति ये बनाई हुई है, इसके माध्यम से जो लोग रह गए, अभी हम मराठवाड़ा लेवल के लोग भी इसमें जोड़ेंगे और जितने लोग आ सकते लोग जोड़ के हम एक अच्छे बड़े पैमाने में हम जहाँ पर जुल्म हो रहा उसके लिए हम हमारी ये समिति आवाज़।